सो हेई व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और भाई एक और वीडियो आ चुकी है। तो बेसिकली यार, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यार, आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करा, इतना ज़्यादा प्यार दिया मुझे, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हमने 6000 सब्सक्राइबर जो है अपने कंप्लीट कर लिए हैं अपने चैनल के ऊपर, कल ही हमने कंप्लीट करे हैं। तो भाई थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर दिस लवली सपोर्ट। अब बस यार, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और 10K जल्दी से करवा दो, फिर उसके बाद हम कुछ बड़ा प्लान करेंगे। भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों का प्यार और सपोर्ट देखकर। मुझे यूँ समझ लो अंदर से एक मोटिवेट मिलता है कि यार ठीक है, मेरा कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोग उसको पसंद कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, मुझे सपोर्ट दिखा रहे हो, तो मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार, तो फिर मैं क्यों ना करूँ फिर मैं और काम, ठीक है। और जैसे जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट करते जाओगे, वैसे वैसे मेरा मोटिवेशन और बढ़ता चला जाएगा और मैं आपके लिए बेटर से बेटर जो है वो कंटेंट लेकर आऊँगा, ठीक है। मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और बेटर से बेटर कंटेंट लेकर आऊँगा। क्योंकि देखो यार, मैं सिंपल सी बात है, अगर कोई कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहा है, फिर कोई चीज़ आपके लिए बना रहा है, तो यार उस पर अगर उसको सपोर्ट या प्यार ना मिले, तो फिर यार उसके लिए कोई किसी चीज़ की, कोई काम की चीज़ नहीं रहती फिर यार वो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरा मतलब। तो यार एक बार और थैंक्स वंस अगेन भाई इतना ज़्यादा सपोर्ट और प्यार देने के लिए। हमने एक महीने के अंदर जो है ना 1200 प्लस भी सब्सक्राइबर जो कर लिए, जो कि छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब आते हैं देखो यार इस ग्राफिक मोड के ऊपर। अब बेसिकली जो तुम्हें मैं आज देने वाला हूँ ना भाई, ये ओरिजिनल GTA San Andreas का बस एक छोटा सा अपग्रेडेड वर्जन मान लो। अब मैं इसको पूरा डेफिनेटिव एडिशन वर्जन तो नहीं बोल सकता, क्योंकि वो यार ऑफिशियली रॉकस्टार के हाथ में है, उसको अभी तक इन्होंने एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर लॉन्च नहीं किया है। लेकिन भाई ये उससे बिल्कुल भी कम नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि जब वो आएगा तो उससे बेटर ही ये होगा। इसके अंदर ग्राफिक्स रिफ्लेक्शन इतने ज़्यादा अमेजिंग है भाई, ट्रस्ट मी, आप लोग इसको जब अपने मोबाइल डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करोगे तो आप भी मज़ा ही आ जाएगा आपको इसको खेलने में। भाई मैं बताता हूँ इसके अंदर, ये पूरा जी समझ लो आप, पूरा GTA San Andreas ओरिजिनल वर्जन है, पर इसके अंदर ग्राफिक टेक्सचर वगैरह को जो है और इम्प्रूव कर दिया गया है, ठीक है। इसके रिफ्लेक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ये सपोर्ट है अपने आपके एंड्रॉयड 10 11 12 हर एक डिवाइस में सपोर्ट करेगा, ठीक है। आप मैंने इंस्टॉलेशन वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी इंस्टॉल करना है। बाकी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका सॉल्यूशन देने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता तो भाई देखो, कमेंट के अंदर इतने अच्छे से कन्वर्सेशन नहीं हो पाता। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, वहाँ पर मैसेज करो, मैं आपको 100% वहाँ पर पूरा सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा जितना भी हो सकेगा मुझसे, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा ग्राफिक मोड के बारे में। तो देखो इसके अंदर आपको कोई सुपर कार वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, सिंपली ओरिजिनल GTA San Andreas गेम है। इसके अंदर आप अगर चाहो तो खुद से चीज़ों को ऐड कर सकते हो। अब मैंने जो अभी इससे पहले जो मोस्ट रियलिस्टिक ग्राफिक मोड का मोड पैक दिया था आपको, वो बेसिकली इसी यही मोड था वो। इसके अंदर बस मैंने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करी थी, तो आप चाहो तो खुद भी और चीज़ें इसके अंदर ऐड करके यूज़ कर सकते हो। बाकी भाई माइंड ब्लोइंग ग्राफिक मोड है, जिसने ये डेवलपर ने बनाया, मैं उसका क्रेडिट जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनके चैनल को भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो GTA San Andreas का डेफिनेटिव एडिशन है भाई, ऑफिशियली पता नहीं कब आएगा मोबाइल के लिए, PC के लिए तो कब का आ चुका है, मोबाइल के लिए लेकिन पता नहीं कब आएगा। सुनने में आया था कि शायद इस साल के एंड में आ जाएगा, लेकिन मुझे उसकी भी उम्मीद नहीं लगती है। तो हो सकता है अगले साल आए, तो अभी और पता भी नहीं है कि यार कि आएगा भी नहीं आएगा, हमें एक बस एक उम्मीद मिली हुई है जिस पर हम जी रहे हैं, तो उसका कुछ पता नहीं है। लेकिन भाई ट्रस्ट मी, इस मोड को खेलने के बाद ना मुझे ये फील हुआ कि भाई ये इतना ज़्यादा अमेजिंग मोड है ना कि मुझे वेट करने की ज़रूरत ही नहीं डेफिनेटिव एडिशन की, मैं इसी को डेफिनेटिव एडिशन समझ के खेल सकता हूँ। सच अ अमेजिंग ग्राफिक मोड पैक यार, मतलब एकदम आपको पूरी फील आती है कि हाँ यार, आप कोई कॉन्सोल या PC टाइप गेम अपने मोबाइल डिवाइस के अंदर खेल रहे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने अच्छे ज़्यादा ग्राफिक किसी ग्राफिक मोड पैक के हो सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे ग्राफिक हैं। आप इसको जब अपने डिवाइस के अंदर खुद इंस्टॉल करोगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा, तो आप इस गेम प्ले को इन्जॉय कर सकते हो। और इंस्टॉलेशन की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ कि तुम्हें डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है, भाई सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। वीडियो का लिंक कॉपी किया करो, वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने ब्राउजर में खोला करो, फिर वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड किया करो। भाई कोई भी डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम नहीं आती है, सिंपली बस ऐड वगैरह जो आता है उनको स्किप कर दिया करो, उसके बाद सिंपली आप मीडिया फायर का आपको लिंक दे दूंगा, आप सीधा वहाँ से जाके इसको इजीली आराम से डाउनलोड कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी एरर के। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, उस चैनल पे साथ में नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डाटा सी यू गाइज़।